नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की स्टडी हम चर्चा करने वाले हैं भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। सो इस कॉलेज को बहुत रेपुटेड माना जाता है, आईपी यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो आपके माइंड में आता होगा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर काफ़ी लो है और यहाँ पे बीबीए और एमबीए एमसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। सो ए टू जेड कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट के थ्रू हम काफी सारी इंफॉर्मेशन आज गेन करने वाले हैं इस कॉलेज के बारे में। सो आप देख सकते हो इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो है अपोजिट मधुबन कॉलोनी नियर विकास मार्ग, शकरपुर में ही कॉलेज लोकेटेड है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड है, मतलब आपको सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जीजीएस आईपीयू का। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद ही आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली एमसीए, एमबीए, बीबीए, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड योर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश एंड हिंदी में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। हम मेनली यहाँ पे जो बात करेंगे इन तीन कोर्सेज के बारे में करेंगे क्योंकि ये डिग्री प्रोग्राम्स हैं, एमसीए, एमबीए, बीबीए। सो एमसीए यहाँ पे जो एडमिशन होता है, और यहाँ पे बीसीए का कोर्स इन्होंने नहीं कराया, डायरेक्टली एमसीए लोग करा रहे हैं। सो एमसीए का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का होता है और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आप जब क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या एमसीए में पढ़ाया जा रहा है, एमबीए में क्या पढ़ाया जा रहा है, बीबीए में क्या पढ़ाया जा रहा है। डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सो एमसीए में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले निमसेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। निमसेट के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर होगा उसके थ्रू ही आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। निमसेट के साथ साथ आपको आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना होता है। वहाँ पे आप जब काउंसलिंग अटेंड करोगे तो आपको चॉइस फिलिंग में भाई परमानंद कॉलेज का नाम मेंशन करना होगा प्रेफरेंस शीट के अंदर, तभी ये कॉलेज आपको अलॉट होगा। इसके बाद एमबीए के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे कैट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। इवन अगर आपने कैट नहीं दिया है तो आप सीमेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सीमेट भी नहीं दिया है तो आप सीईटी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट सीईटी की प्रेफरेंस तभी दी जाएगी आपको जब सीमेट के थ्रू यहाँ पे सीट्स कुछ वैकेंट रह गई होंगी। इसके बाद बीबीए के बारे में बात करते हैं तो बीबीए के लिए भी यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बीबीए की एलिजिबिलिटी है बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के अंदर 50% मार्क्स। एमबीए की जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी आपके ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है। निमसेट के लिए भी एमसीए के लिए भी आपके पास 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन इज कंपलसरी। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मेरिट जो आपकी आती है क्लास 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, बस वो एक एलिजिबिलिटी के रूप में लिया जाता है। यहाँ पे सारा जितना भी फंडा है एडमिशन लेने के लिए वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप कैट में स्कोर करोगे, जितना अच्छा आप निमसेट में करोगे, जितना अच्छा आप सीईटी में स्कोर करोगे बीबीए के लिए, उतना ही अच्छा कॉलेज आपको आईपी यूनिवर्सिटी में मिलेगा और भाई परमानंद में भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा ही रैंक लाना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पे एमसीए, एमबीए, बीबीए तीनों ही कोर्सेज की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली टोटल पर ईयर की फीस है 40,000 पर ईयर, जो कि लोवेस्ट है इन आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में इतनी फीस आपको नहीं देखने को मिलेगी फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। तो भाई परमानंद जो कॉलेज आपको फी स्ट्रक्चर ऑफर कर रहा है, आप देख सकते हो ट्यूशन फी है 20,500, अकेडमिक फी है 3,500, तो इनका जो सब टोटल होता है 40,000 के अराउंड है। इसके अलावा भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, लाइक अंबेडकर इंस्टीट्यूट और जीबी पंत, ये सब जो कॉलेज है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं और यहाँ पे भी फीस लगभग इतनी ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा कुछ एमबीए के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एमबीए के बारे में क्या क्या डिटेल दी हुई है। सो एमबीए का एक इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दी है, आप यहां पे जब क्लिक करते हो मैंडेटरी डिस्क्लोजर पे जब क्लिक करोगे तो आपको सामने दिख जाएगा एमबीए की यहां पे जो टोटल सीट्स है वो 40 है। एवरेज सैलरी पैकेज है 2.85 जो आपका है पर एनम का पैकेज है और 3.5 लाख पर एनम, 3.0 लाख पर एनम, इतना यहां पे एवरेज सैलरी पैकेज जाता है एमबीए का। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो एमसीए के अंदर
एमसीए के अंदर जो 3 साल का ड्यूरेशन है उसकी भी फीस 40,000 पर एनम है, मतलब 1.2 लाख टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी एमसीए के लिए। और उसका जो एवरेज सैलरी पैकेज इन्होंने लिखा है 3 लाख पर एनम है और 3.5 लाख पर एनम, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है 4 लाख पर एनम तक इनका मैक्सिमम यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज जाता है। सो ये थी एमबीएन एमसीए की, और लगभग बीबीए के लिए भी यहाँ पे प्लेसमेंट 4 लाख पर एनम एवरेज सैलरी पैकेज मिल जाता होगा स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो फीस स्ट्रक्चर कम है बट कॉलेज की फैसिलिटीज़ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है कि यहाँ पे फीस की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, जैसे कि आप क्लासरूम देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में। सो प्लेसमेंट्स के लिए अगर आप कंपनी देखते हो, कंपनी यहाँ पे KPMG, EY इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HCL नोएडा, ICICI बैंक, नवतार ग्रुप, सो काफ़ी रेपुटेड कंपनीज यहाँ पे आके बच्चों को हायर करती है और अच्छा खासा सैलरी पैकेज ऑफर करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स के बारे में। सो जो बच्चे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ के लिए आते हैं, लाइक MBA एंड BBA के लिए जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स ऑफर की जाती है, और लगभग IP यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में आपको इंडस्ट्रियल विजिट करने को मिलता है। ये छोटी मोटी डिटेल्स है जो आप यहां से देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्स भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज की, और मेरा एक खास ओपिनियन आप लोगों के लिए ये रहेगा, अगर आप दिल्ली से बीबीए करना चाहते हो तो पहली प्रायोरिटी दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत मेहनत करते हो तो आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां पे बच जाती है। 40,000 में आपको बीबीए करने को मिल रहा है, एक प्रोफेशनल कोर्स। आप कितना भी सर्च करोगे गूगल पे, आपको इस फीस स्ट्रक्चर के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज के साथ, अच्छी फैकल्टी के साथ अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। आप BMS के लिए तैयारी कर रहे हो, शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हो, भाई परमानंद के लिए कर रहे हो, GB पंत कॉलेज के लिए कर रहे हो, अंबेडकर के लिए कर रहे हो, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए आप फाइट कर रहे हो, वो आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आगे जाके आपको मास्टर्स में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग रहेगी और आपका बेस भी अच्छा बन जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।